गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मनी फॉर मी इक्विटी सर्विसेज। टुडे अगेन वी आर गोइंग टू सी निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस बेस्ड ऑन दी चार्ट एंड एज वेल एज फंडामेंटल्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था या फिर आपने देखा होगा, हमने मेंशन किया था, ये हमारा लास्ट वीडियो था निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। सो हमने रेंज मेंशन किया था निफ्टी फिफ्टी का 17,350, दैट वॉज द रेजिस्टेंस, एंड देन 17,000 ये सपोर्ट था। सो अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो लास्ट वीक में निफ्टी 50 ने 17,350 के आसपास 3 से 4 दिन गुजारे और उसके बाद 1st of April, दैट इज द फर्स्ट सेशन ऑफ अप्रैल सीरीज, सो उस दिन पे निफ्टी 50 ने यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और उस रेंज को तोड़ा है। बट जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था, उस हिसाब से निफ्टी 50 ने पूरा जो एक्सपायरी था मार्च महीने का वहां पे ही सस्टेन करके उसने बिताया है। सो ऐसे ही अगर आपको लेवल्स एंड एनालिसिस चाहिए होंगे सो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। सो आपको हर वीकेंड पे निफ्टी फिफ्टी का कमिंग वीक के लिए लेवल्स भी मिलेगा। एंड हम बीच बीच में स्टॉक्स के ऊपर भी व्यूज पोस्ट करते हैं, जैसे कि रिलायंस इंफ्रा। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा रिलायंस इंफ्रा का, तो रिलायंस इंफ्रा भी हमने 120-118 के आसपास इसको बोला था कि ये यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाएगा और ये हमारा पोजिशनल व्यू था। सो वहां से रिलायंस इंफ्रा नीचे आया अराउंड 100 रुपीज के आसपास आया और वहां से एक ही दिन में बाउंस बैक देके इट इज अगेन वेंट टू दी 116-119। यहां तक एक दिन में रिकवरी आया, मतलब जैसे कि हमने वीडियो में बताया था कि 100 वॉज दी बिग डिमांड जोन, 100 का लेवल जो था वो बिग डिमांड जोन था। शेयर का प्राइस फिर से वहां पे आया, सो बड़े प्लेयर्स ने, बिग बुल्स ने वहां से फिर से डिमांड क्रिएट करके शेयर की प्राइस को ऊपर ढकेला है। सो 100 इज अ स्ट्रांग सपोर्ट फॉर रिलायंस इंफ्रा। सो ऐसे स्टॉक्स के लिए भी आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। नाउ हम अगेन कमिंग वीक के लिए निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का लेवल देखेंगे बेस्ड ऑन दी चार्ट्स। सो यहाँ पे हमने लास्ट वीक में देखा निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था। हियर वॉज अ शोल्डर वन हेड एंड दिस वॉज अ स्मॉल शोल्डर टू। सो हमने यहाँ पे बोला था कि 17,350 दैट वॉज द रेजिस्टेंस। अगर मैं कैंडल चार्ट लगाता हूं तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 ने बहुत सारे दिन बिताए, देन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद 2 दिन न्यूट्रल में बिताए एंड ये लास्ट डे ऑफ अ दिस वीक एंड फर्स्ट डे ऑफ अ सीरीज ऑफ अ अप्रैल मंथ, अप्रैल महीने के पहले इस दिन के सीरीज के ऊपर यहाँ पे निफ्टी ने अच्छा खासा रैली दिखाया है। सो यहां से हम बोल सकते हैं कि निफ्टी 50 ने अप ट्रेंड पकड़ लिया है, बट देयर वॉज अ बैक टू बैक रेसिस्टेंस। वहां पे बैक टू बैक निफ्टी के ऊपर रेजिस्टेंस है, मतलब दीवार है कि जो निफ्टी को ऊपर जाने से रुकावट पैदा कर सकती है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक लाइन मार्क किया है, दैट इज अ रेजिस्टेंस, दैट इज अराउंड 17,800, 17,800 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और सपोर्ट की मैं बात करूं सो स्ट्रांग सपोर्ट निफ्टी 50 का भी 17,500 हो गया बेस्ड ऑन दी चार्ट एज वेल एज ऑप्शन डेटा। जो भी कॉल राइटर पुट राइटर होते हैं उनके हिसाब से अभी 17,500 जो है इट इज अ स्ट्रांग सपोर्ट फॉर दिस वीक। ये जो भी वीक है कमिंग वीक एक्सपायरी ऑफ 7th अप्रैल, उसके लिए स्ट्रांग सपोर्ट इज 17,500 एंड रेजिस्टेंस इज 17,800। बट क्या निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास जा सकता है क्या, दैट इज द मेन क्वेश्चन। ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? यस, देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि निफ्टी 50 अगेन लाइफ टाइम हाई को टच करेगा। बट वॉर का जो सिचुएशन है, रशिया यूक्रेन का जो भी वॉर है, उसमें से अगर कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आते हैं सो डेफिनेटली निफ्टी 50 अगेन विल हिट अ लाइफ टाइम हाई। ओके, अभी यहाँ पे सेंटिमेंटली कुछ रुकावट नहीं आनी चाहिए मार्केट के अंदर, या फिर एनी काइंड ऑफ बैड न्यूज भी नहीं आनी चाहिए। सो निफ्टी 50 ये यहाँ पे लाइफ टाइम हाई हिट करेगा। एंड इफ यू सी मूविंग एवरेजेस, दैट इज 2050 एंड 200, यहाँ पे हम 2050 और 200 का मूविंग एवरेज देखते हैं। सो निफ्टी 50 ने यहाँ पे ही तीनों मूविंग एवरेज क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया था और यहाँ पे अभी तो फाइनली तीनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो एज पर दी मूविंग एवरेज ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो चुका है, बट यहाँ पे जस्ट क्रॉसओवर चाहिए, 20 क्रॉसओवर करना चाहिए 250 को, एंड 50 मूविंग एवरेज ऑलरेडी 200 के ऊपर ही है। एक बार ये 20 वाला 50 और 200 को क्रॉसओवर दे दे, सो एज पर दी मूविंग एवरेज ट्रेंड विल बी अ स्ट्रांग। सो माय स्ट्रेटजी विल बी बाय एंड डिप्स, मेरा स्ट्रेटजी रहेगा बाय एंड डिप्स निफ्टी के ऊपर। बाय ऑन ब्रेकआउट भी ले सकते हैं, ये जो अगर लेवल ब्रेक होता है सो वी कैन बाय ऑन अ ब्रेकआउट, अदरवाइज वी कैन बाय इन अ डिप्स नियर दिस सपोर्ट। यहाँ पे नीचे आता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग बाउंस अगेन फ्रॉम
दिस लेवल, और यहाँ से ब्रेकआउट भी आता है. सो आफ्टर ब्रेकआउट वी विल सी क्लोजिंग एंड देन वी विल ट्राई टू बाय नियर दिस 17,800. क्योंकि अगर ये लेवल्स टूटते हैं 17,800 के, सो ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा. सो वी विल ट्राई टू बाय नियर दिस सपोर्ट दैट इज 17,800. अदरवाइज वी विल वेट फॉर अ डिप एंड वी विल ट्राई टू बाय नियर अ 17,500 दैट इज अगेन स्ट्रांग सपोर्ट. 17,500 के आसपास में बाय करने का कोशिश करूंगा. ये तो हो गया निफ्टी 50 का व्यू. नाउ कम टू दी बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी का चार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे निफ्टी 50 मुझे स्ट्रांग लग रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी. बट अभी बैंक निफ्टी देखे सो प्राइवेट बैंक्स, जैसे कि कल मैं बात करूँ HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक बैंक, सो सभी प्राइवेट बैंक्स में एंड PSU भी बैंक्स में अच्छा खासा बाइंग आया है. और निफ्टी बैंक ने यहाँ पे चार्ट के ऊपर एक कंफर्मेशन दिया है, दैट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर. आप यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर वन हेड एंड शोल्डर टू एंड नाइस ब्रेकआउट. सो यहाँ पे निफ्टी 50 ने डेली चार्ट के ऊपर, सॉरी बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन दे दिया है. अगर मैं कैंडल चार्ट भी लगा दूं, सो देयर इज अ वेरी नाइस ब्रेकआउट. यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया है. सो इंडेक्स अगर हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, सो हमें ऐसे एज्यूम करना चाहिए या कंसिडर करना चाहिए कि जो भी लीडर्स है बैंक निफ्टी के, HDFC, एक्सिस, ICICI, कोटक, SBI, सो इनके डेली चार्ट के ऊपर हमें कुछ ना कुछ बाय पॉजिटिव कन्फर्मेशन मिलने ही चाहिए. सो अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो, सो आप इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो. इफ यू आर अ स्टॉक ट्रेडर, सो आप इंडेक्स के बेस पे स्टॉक के अंदर भी ट्रेड ले सकते हो. बट यू हैव टू टेक अ कन्फर्मेशन एज पर यूर स्टडी. आपको आपके स्टडी के हिसाब से यहाँ पे कन्फर्मेशन लेना है. ओके, नाउ सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करता हूं मैं. सो स्ट्रांग सपोर्ट है 36,500. ये बैंक निफ्टी के लिए अगले वीक के लिए स्ट्रांग सपोर्ट है, कमिंग वीक के लिए. एंड रेजिस्टेंस इज अराउंड 38,000. 38,000 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के ऊपर, ये कमिंग वीक के लिए. 7 अप्रैल की जो एक्सपायरी आ रही है गुरुवार की, वो एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी का स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 38,000 एंड सपोर्ट है 36,500. ओके, अगर मैं इंट्राडे की बात करूं कि मंडे के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होने चाहिए, सो यहाँ पे इट इज अ बेस्ड ऑन दी गैप अप एंड गैप डाउन. गैप अप होने के बाद ऐसे भी होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज हो जाते हैं. सो बेसिकली हम इंट्राडे के ऊपर ज्यादा फोकस करे बिना हम वीकली लेवल्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हैं. इंट्राडे के लेवल्स कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं. सो यहाँ पे डिप के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि मैं बैंक निफ्टी 36,500 के आसपास खरीदूं, अदरवाइज ये नीचे नहीं आता है, ऊपर निकल जाता है. सो आई विल वेट फॉर अ सम कन्फर्मेशन. अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, सो उस टाइम पे हम देखेंगे कि चार्ट का कंडीशन कैसा है, कितने दिन में ब्रेकआउट आया है, देन वी विल टेक अ डिसीजन. बट यहाँ पे मुझे ये अच्छा खासा लेवल्स दिखाई दे रहा है, 38,000 एंड 36,500. ये दो लेवल्स मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के ऊपर निकल रहे हैं. एंड आई एम बुलिश ऑन अ प्राइवेट बैंक्स. मैं प्राइवेट बैंक्स के ऊपर बुलिश हूँ. रीजन अगर हम देखें कि लास्ट 1.5 मंथ से या 2 महीने से भी मैं बोल दूँ, सो प्राइवेट बैंक्स के अंदर बहुत अच्छा खासा बाइंग नहीं आया एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर. अदर सेक्टर के अंदर जितना अच्छा खासा बाइंग आया है, उतना अच्छा खासा बाइंग बैंक स्टॉक में नहीं आया. सो अभी वी कैन से दैट कि जो भी बिग प्लेयर्स है, FIIs, DIIs या फिर जो भी बिग शार्क्स है मार्केट के अंदर, सो दे कैन टेक अ लीड ऑफ अ प्राइवेट बैंक्स और PSU बैंक्स. बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो लीड ले सकते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट एंड इंडेक्स चार्ट कन्फर्मेशन, मुझे तो यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स के ऊपर मैं बुलिश हूँ. सो डिपेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम वही करने वाले गाइज कि हम जो भी अच्छे खासे बैंक्स है, नेक्स्ट वीडियो मतलब संडे इवनिंग को हम अपलोड करेंगे, जैसे कि एक्सिस है, ICICI है, SBI, जो भी बैंक्स हमें अच्छे लगते हैं, 2-3 बैंक्स चार्ट के ऊपर, सो उसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं और हमारे लेवल्स पोस्ट करने वाले हैं. सो कीप इन टच एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर अवर वीडियोज, लाइक अवर वीडियोज विथ यूर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, सो यू कैन शेयर विथ देम. सो प्लीज लाइक अवर वीडियो, शेयर अवर वीडियो, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल. आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.